आशीर्वादित है। सब लोग नहीं है, सबका आवाज नहीं आ रहा है। नाश्ता किया? हालेलुया। कैसे हैं आप? आशीर्वादित है। चलिए प्रार्थना करेंगे। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। धन्यवाद प्रेमी स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस पांचवें दिन के लिए। धन्यवाद पवित्र आत्मा हमें इन चारों दिन सिखाने के लिए। धन्यवाद प्रभु यीशु आपकी उपस्थिति के लिए। धन्यवाद पिता ईश्वर हम सबको यहाँ पर एक साथ आपके पुत्र के पवित्र वचनों को, आपके राज्य के वचनों को सुनने के लिए। धन्यवाद पिता ईश्वर हमें ये एक और मौका प्रदान करने के लिए धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा। और आज की क्लास को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। ये सब भाई बहन जो मुझे अभी सुन रहे हैं और उन सब भाई बहनों को भी जो लोग बाद में YouTube पे सुनेंगे, सब लोगों के साथ मैं अपने आप को, मेरे होंठ, मेरे कंठ, मेरी वाणी, जीभ, सब कुछ को पवित्र आत्मा आप पर नियंत्रण देता हूँ। मेरा इस्तेमाल कीजिए और आज हमें सिखाइए। आपके वचनों में छुपे हुए रहस्यों को आज प्रकट कीजिए, जो हम दिन प्रतिदिन अनेक शब्दों में कई बार गलती करते हैं। हे प्रभु हमें आपके वचनों के द्वारा समझाइए कि किस तरह से आपके राज्य का वचन बीज की तरह हम हृदय में बोए और शैतान के हर एक कार्यों को, हर एक डिस्ट्रक्शन को, हर एक शैतानी कार्य को, अविश्वास की आत्मा, डिस्ट्रक्शन की आत्मा, प्रभु यीशु के नाम से मैं तुम्हें बांध देता हूँ और इसी समय आदेश देता हूँ, जड़ से उखड़ जा और समुद्र में चले जा, वहाँ से कभी लौट के मत आना। मैं कुछ भी संदेह नहीं करता हूँ, बल्कि यह मेरा विश्वास है जैसा मैंने कहा है प्रार्थना में अभी वही हुआ है प्रभु यीशु के नाम से। आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सुबह का टाइम है, सब लोग फ्रेश है, थोड़ा रिवाइज करें क्या सीखा हमने। तो टंग का गिफ्ट किस किस का एक्टिवेट हुआ है? जिनका नहीं हुआ है वो सिस्टर आज और लेगी एक और सेशन। हालेलुया। ये जो टंग है ना, थोड़ा सा मैं बताऊंगा, जो गिफ्ट ऑफ टंग है, मतलब जो अन्य भाषा है, वो ईश्वर से हमको डायरेक्ट लाइन जोड़ता है। डायरेक्ट लाइन मतलब जैसे मोबाइल फ़ोन है ना, आपका नंबर सबका अलग अलग है, एक ही नंबर नहीं है ना, तो ईश्वर का जो नंबर है वो टंग का भाषा है। हम जब बात करते हैं तो आपके नंबर पे डायरेक्ट उनसे बात होती है, जैसे आपके मोबाइल पे आप फ़ोन कर रहे हैं परमेश्वर को डायरेक्ट। हालेलुया। जो शब्द रहता है, जैसे यहाँ पर बहुत सारे फौजी लोग हैं, पिक्चर में देखा, मूवी में फौजी लोग रहते हैं, आर्मी वाले, वो कोई मिशन पे जाते हैं तो उनको एक कोड वर्ड मिलता है मिशन का, कुछ तो कोड वर्ड रहता है शब्दों में, अंकों में, वो उसमें बात करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके मिशन के बारे में शत्रु को पता नहीं चले। इसी तरह से ईश्वर हमारे जीवन में अपनी योजना प्रकट करने के लिए हमें अन्य भाषा के अलग अलग शब्द दिए, सबको दिए हैं, लेकिन हमने उसको एक्टिवेट किया है। अगर किया है तो इस्तेमाल किया है क्या? जब हम इस्तेमाल करते हैं तो ईश्वर का जो प्लानिंग है हमारे जीवन में, जो योजना है, वो प्रकट करते हैं। नबी यिर्मयाह के ग्रंथ अध्याय 29 वाक्य 11 में हमने पहले पढ़ा था, आज और पढ़ लेंगे, कि परमेश्वर के पास आप सब के लिए अपनी एक योजना है, लेकिन वो योजना हम नहीं जानते हैं। वो योजना कब जानेंगे? जब हम इस गिफ्ट का इस्तेमाल करेंगे, टंग के गिफ्ट का इस्तेमाल करेंगे और प्रभु के वचनों को पढ़ेंगे। तो जैसे जैसे आप टंग में प्रार्थना करेंगे और वचन को पढ़ेंगे, उसमें छुपा हुआ आपके लिए वो स्थान मिलेगा, जैसे प्रभु यीशु को मिला था अपना स्थान नबी इजायस के ग्रंथ में, जब उन्होंने पहली बार पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर खड़े हुए थे पढ़ने के लिए, तो उनको उनका स्थान मिला था नबी इजायस के ग्रंथ में।
प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, लुकास 4:18 में भी पढ़ते ना हम, तो वह वैसे ही जैसे प्रभु यीशु को अपना स्थान मिला था वैसे ही वो स्थान आपके लिए क्या है बाइबल में वो आपको मिलेगा, कब? जब आप डायरेक्ट लाइन पे बात करना शुरू करेंगे। हालेलुया। खाली टंग का गिफ्ट है मेरे पास में और घर जाके सो गए तो कुछ फ़ायदा नहीं है। हालेलुया। जब तक इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। हालेलुया। इसीलिए वो सिस्टर ने तो आपको चालू करके दे दिया है, लेकिन इसको इस्तेमाल करना आपका काम है। हालेलुया। जितना आप इस्तेमाल करेंगे ना उतना आप बलवंत बनेंगे, शक्तिशाली बनेंगे आत्मा में। जैसे हम रात दिन भर खाना खाते हैं ना, सुबह खाते हैं, दोपहर में खाते हैं, रात को खाते हैं, हफ्ते में एक बार खाते हैं क्या? वचन रोज सुनते हैं, अर्थ समझते हैं क्या? लेकिन जब आप टंग में प्रार्थना करना चालू करेंगे और उसके बाद में जब वचन को सुनेंगे आपको पवित्र आत्मा उसका अर्थ समझाएगा, उसका समझ आपको आने लगेगा। हालेलुया। इसलिए उसका बहुत इम्पोर्टेंस है टंग में प्रार्थना करना। हालेलुया। जब आप करते हैं ना तो उसमें आपको ईश्वर अपनी योजना बताता है और वचनों में छुपे हुए रहस्यों को प्रकट करता है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो। प्रभु यीशु को धन्यवाद। बहुत बार ऐसा होता है ना कि आप कोई विशेष काम के लिए जा रहे हैं लेकिन आपका तैयारी नहीं है। बहुत बार होता है ना, किसी तो भी इम्पोर्टेंट काम के लिए आपको जाना है लेकिन आप तैयार नहीं कर पाते, या कोई परीक्षा में देना जाना है, या कोई भाषण, या किसी मीटिंग में जाना है, किसी से मिलना जाना है, या कुछ ऐसा कोई बात है जिस उलझन है जिसको आप हल निकालने के लिए कोशिश कर रहे हैं। होता है ना बहुत बार कि कुछ तो काम ऐसा फंसा हुआ है जिसको हल ही नहीं निकल रहा है, बातचीत से सब कुछ करके देख लिया हल नहीं निकल पा रहा है। तो ऐसे बात में हमें क्या करना है, जब हम टंग में प्रार्थना करते हैं ना तो आपको पवित्र आत्मा गाइडेंस देता है। हालेलुया। रोमियो 12:12 में लिखा हुआ है। हालेलुया। खोलेंगे एक बार। हालेलुया। प्रभु येसु की स्तुति हो। प्रभु येसु को धन्यवाद। नहीं, हालेलुया, दूसरा वचन है। हालेलुया। प्रभु येसु की स्तुति हो। प्रभु येसु को धन्यवाद। हालेलुया। 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 तो पवित्र आत्मा का काम है सिखाना और हमको उपयुक्त समय में याद दिलाना। तो ये वचन रोमियो में नहीं है, मैं गलत बोल गया। हालेलुया। प्रभु येसु की स्तुति हो। प्रभु येसु को धन्यवाद। हालेलुया। 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 प्रभु येसु की स्तुति हो। प्रभु येसु को धन्यवाद। हालेलुया। यूहन 14:26 में। हालेलुया। प्रभु येसु की स्तुति हो। प्रभु येसु को धन्यवाद। यूहन अध्याय 14:26 में है। हालेलुया। कि पवित्र आत्मा हमको, जब प्रभु येसु अपने शिष्यों के साथ थे तो उन्होंने अपने शिष्यों को कहा था कि जब पवित्र आत्मा आएगा तो क्या करेगा। पढ़िए एक बार वचन। पवित्र आत्मा है हमारे साथ, है बीच में, अभी उपस्थित है ना। हालेलुया। पढ़िए यूहन। परंतु वह सहायक, वह पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम पर भेजेगा तुम्हें सब कुछ समझा देगा। मैंने तुम्हें जो कुछ बताया वह उसका
उसका स्मरण दिलाएगा। लिखा है यहाँ पर, मैंने तुमको जो कुछ बताया वो उसका स्मरण दिलाएगा। तो पवित्र आत्मा का दो काम है, आपको सिखाना जब आप प्रभु का वचन मुंह खोल के बोलते हैं, तभी आपको वो सिखाता है और समझाता है, और जब जरूरत पड़ती है तब उसको याद दिलाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो जब कभी भी आप किसी उलझन में हैं और आप हल नहीं निकाल पा रहे हैं, तो आप पवित्र आत्मा का सहायता ले सकते हैं। जब आप टंग में प्रार्थना करते हैं तो पवित्र आत्मा आपको परिस्थिति के लिए उपयुक्त वचन दिलाएगा याद। हालेलुया। हम वचन तो सुनते हैं ना बचपन से, अभी तक हर दिन चर्च में सुनते आए हैं, लेकिन समय आने पर याद रहता है क्या? क्यों नहीं याद रहता है? क्योंकि हमको समझ में नहीं आता है। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो सत्य का आत्मा हमारे बीच में जो है, जब हम टंग में प्रार्थना करके वचन को पढ़ते हैं तो वो हमको समझाता है। लिखा है ना, पढ़ो एक बार फिर से। हालेलुया। परंतु वह सहायक, वह पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम पर भेजेगा, तुम्हें सब कुछ समझा देगा। मैंने तुम्हें जो कुछ बताया वह उसका स्मरण दिलाएगा। तो जो प्रभु यीशु अपने वचनों में हमको बताता है और जो ईश्वर की योजना है हमारे लिए, वो पवित्र आत्मा हमको याद दिलाता है। हालेलुया। कब करेगा? लेकिन जब हम मुंह खोल के स्तुति में परमेश्वर से अन्य भाषा में बात करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो जिसलिए जिनको नहीं भी आता है ना, अगर आपका एक्टिवेट नहीं हुआ है अन्य भाषा, तो हालेलुया जो प्रार्थना है ना, हालेलुया हालेलुया बोलते, यही अन्य भाषा है, स्वर्गदूतों का भाषा है स्तुति का। जब आप इसको बोलते हालेलुया हालेलुया, तो हालेलुया बोलते बोलते आपको कोड वर्ड मिलता है, एक एक शब्द मिलता है, अलग अलग शब्द मिलता है, कुछ तो शब्द मुँह से निकलता है, सबके लिए अलग है। हालेलुया। तो वो जब शब्द निकलता है तो वो उसी तरह से होता है जैसे वो फौजी लोगों के लिए कोडवर्ड होता है। जो मिशन का योजना है, पर्टिकुलर आपको जो मिशन है, आपके लिए जो परमेश्वर का योजना है, उसके लिए कोडवर्ड आपको मिलता है जब आप हालेलुया बोलते हैं, लेकिन नहीं बोलते तो नहीं मिलता है। हालेलुया। तो वही कोडवर्ड आप देखेंगे, अभी यहाँ पर बहुत सारे लोगों को दो दिन में एक्टिवेट हुआ है, वो सिस्टर भी जब हम प्रार्थना करते हैं हालेलुया करते करते तो कुछ कुछ शब्द निकलते, अलग अलग शब्द निकलते, तो शुरुआत होती है एक एक से, आ ई ई ऊ ऐसे सीखते हैं ना, जब छोटे रहते तो बोलना कैसे सीखते हैं एक एक शब्द से, वैसे ही पवित्र आत्मा भी हमको एक एक शब्द देता है, वो एक ही शब्द है लेकिन उसमें बहुत गहरा अर्थ है। हालेलुया। जब मैं पहली बार सीखा था, पहली बार जब मैंने ये सीखा था और मेरा टंग एक्टिवेट हुआ था, मेरे को एक ही शब्द मिला था, ला 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 ला, ला करता था बस। हालेलुया। मैं ऑफिस जाते समय एक घंटे डेढ़ घंटे का रास्ता था पहले, मैं जब भी जॉब करता था आज से 8-9 महीना पहले तक, तो मुझे 25 किलोमीटर जाना पड़ता था। हालेलुया। और ये डेढ़ घंटे में मैं सिर्फ एक ही बार प्रार्थना करता था, स्तुति धन्यवाद, स्तुति और ला 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 जो आ रहा है वही, फिर उसके बाद एक एक शब्द बढ़ते गया, जैसे जैसे हालेलुया बोलते गया वैसे वैसे ला बा माशी का रा बा दा, ऐसे एक 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 शब्द बढ़ते जाता है। हालेलुया। जब आप शब्दों को जोड़ते तो एक शब्द बनता है जो आपको नहीं समझ में आता है, लेकिन आत्मा परमेश्वर के साथ उससे बातचीत करता है और आपको योजना बताता है। हालेलुया, हालेलुया। तब आपको आत्मा मार्गदर्शन देता है कैसे चलना है, स्टेप बाय स्टेप। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए प्रभु बोलता है कि हमें प्रोवर्ब्स 3:5-6 में, सुक्ति ग्रंथ अध्याय 3:5-6 में बोलता है वचन। हालेलुया,
तुम संपूर्ण हृदय से ईश्वर का भरोसा करना, अपनी समझ बूझ पर निर्भर नहीं रहना। पढ़िए एक बार, हालेलुया। ट्रस्ट इन द लॉर्ड फ्रॉम ऑल योर हार्ट, डू नॉट रिलाई ऑन योर ओन अंडरस्टैंडिंग। हालेलुया। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 5 और 6। हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम बहुत बार समझने का कोशिश करते हैं मतलब क्या है शब्द का, या अन्य भाषा कौन सी भाषा है, ग्रीक भाषा है कि लैटिन है कि कौन से देश का भाषा है, बहुत बार सोचते हैं ना ऐसा। लेकिन जब सोचते हैं ना तो हमको मतलब समझ में तो नहीं आने वाला, और ना ही शैतान को समझ में आने वाला है। ये कोड वर्ड है, जिस तरह से आर्मी वालों का कोड वर्ड रहता है ना, वो उनके जिसने योजना बनाई है उसको मालूम है, और जो उस योजना को एग्जीक्यूट करेगा उसको मालूम है। वैसे ही परमेश्वर को मालूम है और मुझे मालूम है कि मेरे लिए क्या योजना है। कब पता चलता है? जब आप उस कोड वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सुनने में तो लगता है कि ये क्या बोल रहे हैं, अलग सा भाषा है, कुछ तो अलग ही बोल रहे हैं। हालेलुया। सब आम आदमी अगर कोई बाहर वाला सुनेगा तो हंसेगा, ये क्या बात कर रहे हैं, पागल हो गया। हालेलुया। लेकिन आपको इसका असर दिखेगा जब आप टंग में प्रार्थना करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि आप जब वचन पढ़ेंगे उसका मतलब समझ में आने लगेगा। जब आप आगे कोई भी काम में करने जाएंगे तो वहां पर आपको पवित्र आत्मा मार्गदर्शन देगा। हालेलुया। आपको वचन समझ में आने लगेगा और आपके बड़े बड़े काम बहुत आसानी से हो जाएंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ये ईश्वर की तरफ से दिया हुआ शब्द है, तो ये वो बहन ने सिखाया है, तो इसका इस्तेमाल करना। जब भी हालेलुया बोलते हैं ना, मुंह बंद नहीं रखना है, क्योंकि जैसे ही हालेलुया बोला शैतान को कन्फ्यूज़न होता है। जो शैतानी शक्तियाँ, दुष्ट आत्माएँ जो हमारे विरुद्ध आ रही है ना, वो आपस में कन्फ्यूज होती है, उनकी योजना बिगड़ती है और ईश्वर की योजना हमारे जीवन में प्रकट होती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हम लेंगे एक पैसेज छोटा सा इसके ऊपर, जहोशाफात का उदाहरण लेंगे, राजा जहोशाफात। राजा इतिहास, दूसरा इतिहास कि पहला इतिहास है, 2 क्रॉनिकल्स 20:21। हालेलुया। पुराने व्यवस्थान में जाएंगे, दूसरा इतिहास अध्याय 20। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। तो हम स्त्रोत ग्रंथ पढ़ते हैं ना, ये राजाओं का ये जो इतिहास है, इतिहास के पहले राजा दाऊद के स्त्रोत ग्रंथ है ना। तो स्त्रोत ग्रंथ में राजा दाऊद जब कभी भी कोई लड़ाई पे जाता था, वो अपनी बुद्धि से नहीं जाता था, ईश्वर की से बात करके जाता था, उनसे कमांड लेके जाता था क्या करना है, इंस्ट्रक्शन लेता था। कैसे लेता था? वो सितार बजाया करता था, परमेश्वर की स्तुति किया करता था। हालेलुया। तो सारे स्तुति गीत स्त्रोत ग्रंथ में मिलते हैं हमको, बहुत सुंदर सुंदर गीत भी है ना हमारी किताब में गाने की। हालेलुया। तो वही राजा हालेलुया, यहाँ पर देखिए पीछे लिखा हुआ है, स्त्रोत 107:1 में लिखा है, क्या लिखा हुआ है पढ़िए, सबको दिख रहा है। हालेलुया, ये स्तुति है। क्या लिखा हुआ है? प्रभु का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है, उसकी सत्य प्रतिज्ञता सदा सर्वदा बनी रहती है। हालेलुया। ये एक वचन को राजा जहोशाफात ने भी इस्तेमाल किया। हालेलुया। ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है। इसमें क्या होता है, इसमें आप एक से लेकर आगे पढ़ेंगे ना, तो एक वचन पढ़ेंगे, पहला वचन, दूसरा इतिहास अध्याय 20 वाक्य 1। हालेलुया, हालेलुया, पढ़िए दूसरा इतिहास अध्याय 20 वाक्य 1।
इसके बाद मोआबी अमोनी और उनके साथ कुछ मौनियों मौनी हाँ कुछ मौनी लोग यहोशाफात पर आक्रमण करने चल पड़े। हालेलुया। तो यहाँ से ये बहुत बड़ा पैसेज है, लेकिन मैं इसको ब्रीफ में समझाता हूँ, आप लोग होमवर्क में पढ़िए। यहाँ पर क्या होता है, तीन अलग अलग देश के लोग राजा यहोशाफात पे चढ़ाई करते हैं लड़ाई करने के लिए, उसको लूटने के लिए, उसके देश पे हमला करने के लिए। उनकी विशाल सेना रहती है, बहुत बड़ी। हालेलुया। वचन में लिखा हुआ है कि उतनी बड़ी सेना को लड़ने के लिए कोई भी यहोशाफात के साथ नहीं रहता है, वो कोई राजा के पास मदद मांगने नहीं जाता है, वही करता है जो दाऊद किया करता था। हालेलुया। मंदिर में सबको इकट्ठा करता है, जहाँ पर वो लोग प्रार्थना करते हैं ना, प्रार्थनालय में सबको इकट्ठा करता है और प्रार्थना करता है पुराने इसके हिसाब से। हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है, जैसे ही उसको ये खबर मिलती है कि उसके खिलाफ तीन अलग अलग लोग राजा एक साथ मिलकर लड़ने आ रहे हैं, तो वो डर जाता है। हालेलुया। हमारे साथ भी ऐसा होता है तो हम डरते हैं ना, जब हमको पता चलता है, कई फोन आता है कि लोग साजिश मना रहे हैं आपके खिलाफ, संभाल के रहना, क्या होगा सबसे पहले, चिंता डर। हालेलुया। सहायता के लिए सोचते हैं ना हम। हालेलुया। और सहायता के बाद में प्रार्थना भी करते हैं ना, कैसे करते हैं, डर डर के करते हैं कि खुशी हो के करते हैं, डर डर के करते हैं ना। हालेलुया। डर डर के प्रार्थना शुरू करते हैं, तो जब हम डरते हैं ना तो हमारा कनेक्शन हो जाता है शैतान के साथ। हालेलुया। क्योंकि हमने सीखा था चिंता और डर अविश्वास की ओर लेके जाता है। और डर क्या है, डर क्या है, बाइबल के अनुसार 2 तिमोथी 1:7 में लिखा है, डर एक दुष्ट आत्मा है। हालेलुया। डर दुष्ट आत्मा है और ईश्वर ने वो दुष्ट आत्मा नहीं दिया है, वो दुष्ट आत्मा शैतान से आया है। ईश्वर ने हमको जो आत्मा दिया है, 2 तिमोथी 1:7 में लिखा है, ईश्वर ने हमको प्रेम का आत्मा दिया है, शक्ति का, सामर्थ्य का आत्मा दिया है और आत्मसंयम का आत्मा दिया है। हालेलुया। वह पवित्र आत्मा है। हालेलुया। जो प्रभु के वचन द्वारा एक्टिवेट होता है। हालेलुया। लेकिन यहाँ जब राजा यहोशाफात डरता है तो डर डर के प्रार्थना करता है सबके साथ। हालेलुया। डरता है तो क्या होता है, ईश्वर आता है उसको मदद के लिए। हालेलुया। पवित्र आत्मा भी मौजूद है, दुष्ट आत्मा भी मौजूद है। हालेलुया। वो लोग स्तुति भी करते हैं साथ में, वचन कर पढ़ते पढ़ते, तो क्या होता है, उनके ही लोगों के बीच में से पवित्र आत्मा से भरकर उन्हीं के बीच में से एक नबी बोल उठता है। हालेलुया। वचन नंबर 14 में है। हालेलुया। प्रभु येसु की स्तुति हो। पढ़िए, जकरिया का बेटा, पढ़िए आगे। वचन में लिखा हुआ है, जकरिया का पुत्र बना का पोता, 14, दूसरा इतिहास अध्याय 20:14। हालेलुया। 14 के पहले आप पढ़ सकते हैं कि वो जो राजा, चार राजा, तीन लोग राजा आते हैं ना, उनसे डरने के बाद में किस तरह से यहोशाफात डर जाता है। हालेलुया। पढ़िए, तब एकत्रित लोगों के बीच जकरिया का पुत्र एजकियेल प्रभु की आत्मा से आविष्ट हो गया। बनाया का और ये मत्या का
तो यहाँ पर क्या होता है, ये हालेलुया, क्या नाम लिखा है, यहजीएल है ना, यहजीएल पवित्र आत्मा से भर जाता है उनके बीच में और वो प्रभु उसके द्वारा बोलता है हालेलुया हालेलुया। क्या बोलता है, 15 से पढ़िए। उसने कहा यूदा वंशियों यरूशलेम के निवासियों और राजा यहोशाफात, सभी ध्यान दो, प्रभु तुमसे कहता है कि तुम मत डरो। सबसे पहले क्या बोला, कि तुम मत डरो। इसके पहले लिखा हुआ है राजा यहोशाफात डर के प्रार्थना कर रहा है, लेकिन उसके साथ उसने स्त्री पुरुष और पूरे जितने भी देश के लोग हैं सब मंदिर के बाहर इकट्ठे हुए और स्तुति कर रहे हैं, लेकिन सब डरे हुए नहीं है। हालेलुया, जो आत्मा से स्तुति कर रहा है उसमें से यहजीएल खड़ा होता है पवित्र आत्मा से आविष्ट होकर, और क्या बोलता है ईश्वर उसके द्वारा, सबसे पहले तुम मत डरो। हालेलुया, क्यों बोलता है, क्योंकि जब डर आता है तो दुष्ट आत्मा काम करता है। ईश्वर भी जब अपनी योजना हम पे प्रकट करता है ना, सबसे पहले वो हमको एक ही शब्द बोलता है, डरो मत। मां मरियम को भी जब स्वर्ग दूत गैब्रियल ने दर्शन दिया था, सबसे पहले क्या बोला था, मरियम डरिए मत। हालेलुया, पूरा बाइबल में जब जब परमेश्वर की आवाज सुनाई दी सबसे पहला शब्द आया डरो मत। हालेलुया हालेलुया। कल हमने परसों जब सीखा था उसमें प्रभु यीशु समुद्र पे चलते हैं और शिष्य उनको देखकर क्या होते हैं, भूत है समझ लेते हैं, हालेलुया डरने लग जाते हैं। हालेलुया हालेलुया, क्योंकि ईश्वर आत्मा है और शैतान भी आत्मा है और हम पहचान नहीं कर पाते। जब डरते हैं ना तो डर हमको बोलता है गलत मार्ग पर लेके जाता है, उल्टा मार्ग पर लेके जाता है। हालेलुया, तो हम ईश्वर की वाणी को भी नहीं समझ पाते हैं, ईश्वर की मैसेज जो मिल रहा है हमको उसको नहीं समझ पाते हैं। हालेलुया, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। इसलिए वचन में लिखा हुआ है डरो मत। आगे पढ़िए, पूरा बाइबल के अंदर में है ना 385 बार लिखा है ये शब्द डरो मत, आप गूगल पे चेक कर सकते हैं, लिखिए डरो मत, फियर नॉट, पूरा बाइबल के स्क्रिप्चर मिलेंगे, पुराना व्यवस्थान से जेनेसिस उत्पत्ति से लेके प्रकाशना ग्रंथ तक लिखा हुआ है डरो मत, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। पढ़िए, हालेलुया, विशाल सेना से भयभीत नहीं हो, क्योंकि तुम्हें नहीं लड़ना पड़ेगा बल्कि ईश्वर ही लड़ेगा। बस एक मिनट, ये वाला समझते हैं पहले, क्या लिखा हुआ है, भयभीत मत हो, डरो मत, क्योंकि क्यों नहीं डरना है, क्योंकि तुमको नहीं लड़ाई करना है, ईश्वर लड़ेगा। हालेलुया, हमारे जीवन में समस्या आती, कौन जाता है सुधारने के लिए, हम खुद कोशिश करते हैं, हम खुद करते हैं ना कि चलो प्रभु ये तो आसान काम है, आपको मदद का जरूरत नहीं, मैं खुद करता हूं, क्या होता है, फंसते हैं ना। क्यों फंसते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता है ईश्वर का योजना, ये समस्या से बाहर आने का रास्ता हमको नहीं पता है। हालेलुया, हम सबसे बोलने में गलती होती है, याकूब अध्याय 3:1 में हम पढ़ते हैं कि हम सबसे बोलने में गलती होती है, कितना भी ज्ञानी बुद्धिमान व्यक्ति क्यों ना हो, सब मनुष्य है, सबसे बोलने में गलती होती है। हालेलुया,
तो हम जब हमारी बुद्धि का सहारा लेते हैं और बात को सुलझाने का कोशिश करते हैं, फंसते हैं। इसलिए प्रभु बोलता है सुक्ति अध्याय 3:5-6 में, पढ़िए अभी, सुक्ति ग्रंथ अध्याय 3:5-6। हालेलुया, 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 हालेलुया। तुम सारे हृदय से, सारे हृदय से प्रभु का भरोसा करो, प्रभु का भरोसा करो, अपनी बुद्धि पर निर्भर मत करो। हालेलुया। लेकिन हम क्या करते हैं, अपनी बुद्धि पर निर्भर रहते हैं, उल्टा ही करते हैं ना। हालेलुया। क्योंकि ये ईश्वर दिखता नहीं है ना आंख से, दिखता तो समस्या है, बराबर है कि नहीं। ये इंद्रियां है ना हमारी, हमको बहुत डराती है। हालेलुया। कब, जब आप समस्या की तरफ ध्यान देते हैं, लेकिन उस ध्यान को हटाकर जब वचन की तरफ डालते हैं तो हमको देता है विश्वास, भरोसा। हालेलुया। इसीलिए बोलता है सबसे पहले करना है ईश्वर पे भरोसा। पढ़िए फिर से क्या लिखा है, ट्रस्ट इन द लॉर्ड। तुम सारे हृदय से प्रभु का भरोसा करो, अपनी बुद्धि पर निर्भर मत रहो। आगे पढ़ो, अपने सब कार्यों में, कुछ कुछ कार्यों में नहीं, सब लिखा है ना, सब कार्य में सब कुछ आ गया, समस्या भी आ गई। अपने सब कार्यों में उसका ध्यान रखो, वह तुम्हारा मार्ग प्रशस्त कर देगा। प्रशस्त का मतलब क्या होता है, कैसा, सीधा कर देगा, स्ट्रेट कर देगा, एकदम आसान बना देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारा रास्ता आसान बना देगा, सीधा बना देगा, जब हम ईश्वर पर भरोसा करेंगे। लेकिन हम किस पे भरोसा करते हैं, खुद पर। हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। जब खुद पर भरोसा करते हैं तो फंसते हैं ना। हालेलुया। राजा यहोशाफात भी डर रहा था, क्यों, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा था। इसलिए वचन में क्या लिखा, पहले ईश्वर का भरोसा करना है। उसको क्या बोला, सबसे पहले डरो मत, ये तुम्हारी लड़ाई नहीं है। हमको भी हमारी हर परिस्थिति में ईश्वर यही बोलता है, डरो मत, ये तुम्हारा लड़ाई नहीं है। ये जो परीक्षा आया है ना, इसमें ईश्वर खुद आएगा आपको बाहर निकालने। कब आएगा, जब आप मुंह खोलकर उसकी स्तुति करेंगे, जब आप उस कोड वर्ड में उससे प्रार्थना करेंगे, स्तुति प्रार्थना, प्रार्थना का एक प्रकार है स्तुति। हालेलुया, हालेलुया। ये स्तुति हमको नया व्यवस्थान में मिला है, प्रभु यीशु के जी उठने के बाद। हालेलुया विनती पहले नहीं थी, पहले यही वचन था जो लिखा हुआ है स्त्रोत ग्रंथ में, प्रभु का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है, उसकी सत्य प्रतिज्ञता सदा सर्वदा बनी रहती है। यही वचन आगे भी पढ़ेंगे हम। हालेलुया। सिर्फ ये एक वचन पकड़ के रखने से राजा यहोशाफात को बिना लड़ाई करे अपने आप से विजय मिलती है। पढ़िए आगे, हालेलुया। कल तुमको 16 से पढ़िए, दूसरा इतिहास अध्याय 20:16 से पढ़िए। हालेलुया, 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 हालेलुया। पढ़िए कल से पढ़िए। हाँ, कल तुम्हें उनके विरुद्ध
कूच करना है। वे शीस के चढ़ाव से ऊपर आएंगे और तुम लोग घाटी के छोर पर यरूएल की मरुभूमि के निकट मिलोगे। आगे क्या लिखा है? 17 में पहला ही वचन लिखा है, पढ़िए पहला लाइन। लेकिन तुम्हें उनके साथ लड़ना नहीं होगा। तुम वहीं खड़े रहोगे और तब तुम देखोगे कि प्रभु तुम्हें यूदा और यरूशलेम को विजय देता है। तुम मत डरो। फिर से बोला ना, तुम मत डरो। हालेलुया। हमको परमेश्वर क्या बोलता है? ये लड़ाई आपकी नहीं है। आपको खड़ा जरूर रहना है, परीक्षा है, बैठना जरूर है परीक्षा में। समस्या आई है, समस्या को फेस करना है। हालेलुया। राजा जहोशाफात के साथ भी यही हुआ था। समस्या आई, 3 राजा मारने के लिए आ रहे, विशाल सेना के साथ आ रहे, उधर लिखा हुआ विशाल सेना। हालेलुया। जिसका सामना वो नहीं कर सकता है। हालेलुया। ईश्वर क्या बोलता है उसको? कल तैयार हो जाओ। और वो लोग कहाँ से आएंगे वो भी लिखा हुआ है। समस्या जब आती है तो आपको सब पता रहता है डिटेल में? समस्या के बारे में पता रहता है ना? नहीं पता रहता है। जब समस्या आ जाती तो पता नहीं होता है? होता है ना। तो यहाँ भी तो आ गई ना यहोशाफात के पास। हालेलुया। लेकिन ईश्वर एक ही चीज बोल रहा है। क्या बोल रहा है? तुमको समस्या को फेस करना है लेकिन लड़ाई नहीं करना है, सामने खड़ा रहना है और देखना है खाली। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना नहीं होगा। जो यहूदा और इसराइल बोलता है ना, उस समय था यहूदा इसराइल, लेकिन आज कौन है? हम सब है, हम ईश्वर की संतान है ना। हालेलुया। हम सब प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं ना। गलातियों 3:14 पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है कि हम परमेश्वर के प्रभु यीशु में जो एक हो गया है ईश्वर के परमेश्वर के साथ, जब हम प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं तो विश्वास द्वारा हम सब अब्राहम की आशीर्वाद के उत्तराधिकारी बनते हैं। हालेलुया। 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 और 3:29 में लिखा हुआ है, पढ़िए 3:14 और 29, उसके बाद 29 पढ़िए। पहले 3:14 पढ़िए। यह इसलिए हुआ कि ईसा मसीह के द्वारा इब्राहिम का आशीर्वाद गैर यहूदियों को भी प्राप्त हो और हमें विश्वास द्वारा वह आत्मा मिले जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी। तो यीशु मसीह में विश्वास द्वारा हमको पवित्र आत्मा मिल रहा है, यही लिखा है ना, जब हम मसीह के साथ एक हो गए हैं। हालेलुया। तो जब प्रभु यीशु में एक होना मतलब प्रभु के वचन को अंदर डाला और प्रभु के वचन में विश्वास किया, तब वो पवित्र आत्मा क्रियाशील होता है। हालेलुया। और इब्राहिम को कौन सा आशीर्वाद मिला था? पृथ्वी भर में संतानें फैल जाएगी, संपन्न होगी ना। हाँ, ये तो संख्या में बढ़ाने वाला है। उसके बाद और कुछ बोला था, जो तुम्हारा शत्रु होगा मेरा शत्रु होगा, ऐसा भी बोला है। जो विरुद्ध आएगा ना वो परमेश्वर के विरुद्ध आएगा। हालेलुया। तो जब हम मसीह प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं, पवित्र आत्मा हमें क्रियाशील होता है, तो हमारे विरुद्ध आने वाला व्यक्ति किसके खिलाफ खड़ा होता है?
ईश्वर के खिलाफ खड़ा होता है। हालेलुया। तो इस लड़ाई में हमको लड़ना है, नहीं लड़ना है। इसीलिए वचन में लिखा हुआ है 17 में कि इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना नहीं पड़ेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। 3:29 पढ़ लीजिए, उसमें लिखा हुआ है हम उत्तराधिकारी बनते हैं ना। पढ़िए, यदि आप लोग मसीह के हैं तो इब्राहिम की संतान है और प्रतिज्ञा के अनुसार उनके उत्तराधिकारी। लिखा है ना, यहूदा इज़राइल इब्राहिम की संतान थे ना, उन्हीं के बेटे थे ना। हालेलुया। और यहाँ वचन में क्या लिखा हुआ है, 17 वचन पढ़िए, दूसरा इतिहास अध्याय 20:17, उसमें यहूदा और इज़राइल को बोल रहा है। तो हमको ये नहीं सोचना है कि वो तो उनको बोला था, हमारे से बात हो रहा है ये वचन में। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु द्वारा विश्वास से जब हम प्रभु यीशु में एक हो जाते हैं, हम भी इब्राहिम की संतान बनते हैं और जो आशीर्वाद उसको मिला था उसके उत्तराधिकारी हम बनते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ज्यादा तेज तो नहीं जा रहा हूं ना, फास्ट तो नहीं है। हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। लेकिन तुम्हें उनके साथ लड़ना नहीं होगा। तुम वहीं खड़े रहोगे और तब तुम देखोगे कि प्रभु तुम्हें यूदा और यरूशलेम को विजय देता है। तो वो तुम्हें में हम सब है, यूदा और यरूशलेम। हालेलुया। इब्राहिम की संतान बनते हैं ना हम। हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। तो ये यूदा और यरूशलेम किसको बताता है, जब हम प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं हम भी ईश्वर की संतान बनते हैं। हालेलुया। इब्राहिम का आशीर्वाद हमको प्राप्त होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी क्या हुआ, आगे पढ़िए, 21 से पढ़ो। उसने लोगों के साथ परामर्श करने के बाद गायक नियुक्त किए जिससे वे पवित्र वस्त्र धारण कर योद्धाओं के आगे चले और यह कहते हुए प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वह भला है उसकी सत्य प्रतिज्ञता अनंत काल तक बनी रहती है। यहाँ पर दो चीज बोला है, पहला क्या है, वस्त्र धारण करने के लिए बोल रहा है। कौन से वस्त्र धारण, फिर से बोलो। पवित्र वस्त्र, ये क्या है, हालेलुया, इसका अर्थ है पवित्र वस्त्र का मतलब है जब आप ईश्वर के वचनों को समझते हैं और उनको धारण करते हैं अंदर और उसके साथ स्तुति करते हैं तो सुपरनेचुरल काम होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर के अस्त्र शस्त्र, कोई भी लड़ाई में जाता है आपने देखा रहेगा, पुराने जमाने में हो या अभी के जमाने में हो, पहले रक्षा वस्त्र पहनता है ना, रक्षा करने वाले कपड़े पहनता है ना, है ना। हालेलुया। अभी शारीरिक लड़ाई में
जो भी सिपाही होता है या फौज में जो लोग जाते हैं वो लोग जैकेट पहनते हैं, लाइफ जैकेट, बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते हैं ना, जिसके ऊपर वो, और हेलमेट लगाते कि सिर पे नहीं लगे चोट, पेट पे गोली लगा तो नहीं लगना चाहिए, है ना। पुराने ज़माने में भी ढाल होती थी, सामने एक ढाल होती थी और सामने एक कपड़ा होता था योद्धाओं का, हालेलुया। तो ये वस्त्र क्या होते थे, प्रोटेक्शन के लिए, कि जो भी आक्रमण होगा उसमें बचाव करने के लिए, रक्षात्मक, रक्षा करने के लिए हमको कपड़े, हालेलुया। ये कपड़े क्या है, आत्मिक कपड़े क्या है। हमारा जो है आज का लड़ाई किसके साथ है, शैतान के साथ है। इफिसियो अध्याय 6:11-12 पढ़िए, वहाँ भी यही लिखा हुआ है, हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। इफिसियो अध्याय 6:11-12 तक, आप ईश्वर के अस्त्र शस्त्र धारण करें, जिससे आप शैतान की धूर्तता का सामना करने में समर्थ हो, क्योंकि हमें निरे मनुष्यों को नहीं बल्कि इस अंधकारमय संसार के अधिपतियों अधिकारियों तथा शासकों और आकाश की दुष्ट आत्माओं से संघर्ष करना पड़ता है। तो हमारा लड़ाई किसके साथ है, दुष्ट आत्माओं से, जो हमारे जीवन में समस्या और परेशानी और टेंशन चिंता लेकर आया है, हालेलुया। जो मनुष्य लेकर आया वो नहीं है हमारा शत्रु, हम तो उसी को समझ बैठते हैं, है ना। जो मनुष्य आपके विरुद्ध आ रहा है वो मनुष्य नहीं है, वो तो गुलामी में आ रहा है, शैतान द्वारा चल संचालित हो रहा है, हालेलुया। लिखा है ना, क्या लिखा है, फिर से पढ़ो 12 वचन, तुम्हारा सामना निरे मनुष्यों से नहीं है, हमें निरे मनुष्यों से नहीं बल्कि इस अंधकारमय संसार के अधिपतियों अधिकारियों तथा शासकों और आकाश के दुष्ट आत्माओं से संघर्ष करना पड़ता है, हालेलुया। तो जब भी समस्या आती है, एक दुष्ट आत्मा आपसे बात करता है सोच में, और दूसरा दुष्ट आत्मा किसी व्यक्ति के द्वारा आता है आपको उकसाने के लिए, होता है ऐसा, चिढ़ाने उकसाने के लिए आता है ना कोई समस्या के समय चिड़चिड़ाहट होती है, बात सहन होती है किसी की, तुरंत पलट के जवाब देते ना, क्यों देते हैं, क्योंकि एक दुष्ट आत्मा हमारे से द्वारा काम कर रहा है और एक हालेलुया। लेकिन वो दुष्ट आत्मा कब घुसता है, जब हम उसको घुसने देते हैं, हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ है सबसे पहले काम 11 में क्या करना है, परमेश्वर के अस्त्र शस्त्र धारण करना है, वो पवित्र वस्त्र, जिस तरह से ज्यादा यहोशाफात के इसमें लिखा हुआ है ना, पवित्र वस्त्र क्या है, वो अस्त्र शस्त्र बोलते हैं। जैसे एक सोल्जर होता है ना, सिपाही, तो उसका पहले होता है हेलमेट, हेलमेट होता है ना, यहाँ सिर से लेके नीचे तक, नीचे सेफ्टी शूज़ होता है, जो बूट होता है वो भी एकदम सेफ्टी वाला रहता है, पूरा शरीर एकदम ढका हुआ रहता है, ताकि कोई भी बाण चलने दो, गोली चलने दो, अगर वो छुएगा भी तो चोट नहीं लगेगी, हालेलुया। आपके विरुद्ध गड़ा हुआ कोई भी अस्त्र शस्त्र सफल नहीं होगा, हालेलुया। कब नहीं होगा, जब आप वो वस्त्रों को धारण करेंगे, कौन सा वस्त्र है, ये आत्मिक वस्त्र है, प्रभु का वचन, हालेलुया, हालेलुया। जब वचन अंदर है और उसके साथ आप स्तुति कर रहे हैं, तो आप ईश्वर के हथियार द्वारा लड़ रहे हैं, इसलिए प्रभु के वचन को बोला है दो धारी तलवार,
दो तरह के हथियार होते, एक होते रक्षात्मक और एक होते आक्रामक, आक्रमण करने के लिए तलवार होती है ना। हालेलुया, पुराने जमाने में तलवार थी लेकिन आज के जमाने में बंदूक है ना। बंदूक कैसी होती है? एक बंदूक होती है उसके अंदर क्या रहता है? नुकसान क्या पहुंचाता है बंदूक? गोली पहुंचाती है ना। ठीक वैसे ही हमारा मुंह है बंदूक और ये जीभ से शब्द निकल रहा है वो एक गोली। हालेलुया, अगर आपने वचन निकाला तो जो दुष्ट आत्मा आया वो मरेगा, लेकिन वचन का उल्टा निकाला तो वो आप अपने आप को गोली मारेंगे। हालेलुया, इसीलिए जब अपनी बुद्धि पे निर्भर रहते हैं, जब हमारी सोच के अनुसार काम करते हैं ना और बात को सुधारने के लिए जाते हैं, वो और बिगड़ता है। होता है, होता है कि नहीं होता है? समस्या में जब अपनी बुद्धि चलाते हैं हम, और ज़्यादा बिगड़ता है। हालेलुया, ये होता है वचन की अज्ञानता में। इसलिए होशिया 4:6 में मैंने पहले दिन बताया था, जो मैंने पहला वचन सीखा था वहाँ लिखा हुआ है, मेरी प्रजा का विनाश हुए जाता है क्योंकि उनके पास कोई ज्ञान नहीं है। वचनों का ज्ञान नहीं है। हालेलुया, वचनों का ज्ञान कब आता है? जब आप ईश्वर के तरह उसकी बात भाषा में बात करते हैं, स्तुति की भाषा में। हालेलुया, ईश्वर हमारी स्तुतियों में निवास करता है। स्तोत्र 22:3 में लिखा है, परमेश्वर ईश्वर अपने लोगों की स्तुतियों में निवास करता है। हालेलुया, इसीलिए जो टंग का प्रार्थना बोलते हैं ना, वो बहुत ऐसा नहीं है, बहुत शक्तिशाली है, आपको आत्मिक रूप से बलवान बनाता है। हालेलुया, लेकिन उसके साथ वचन होना चाहिए। खाली टंग में बोल रहे हैं तो फिर तो कुछ नहीं होने वाला, वचन के बिना नहीं होगा। हालेलुया, स्तुति और वचन दोनों एक साथ रहेगा तो आप रक्षात्मक और आक्रमण करने वाला हथियार दोनों आपके पास है। हालेलुया, अभी एक सिपाही सोल्जर जाता है बिना बंदूक के जाता है, खाली हेलमेट लगाता है, रक्षात्मक बुलेट प्रूफ जैकेट पहना और चले गया, क्या होगा? मार खा के आएगा ना। हालेलुया, लेकिन जब वो अपनी बंदूक लेके जाता है उसमें गोली है, गोली अगर उसने रखा 4-5 तो लड़ पाएगा? पूरा स्टॉक लग के जाता है ना, खाना कम लेके जाता है, गोली ज़्यादा लेके जाता है ना। हालेलुया, उसी तरह से परमेश्वर के वचन जब अंदर होते ना, दिल के अंदर में, वो हमारी गोली है, हमारा मुंह बंदूक है। जैसे ही हमने बोलना चालू किया, प्रभु का वचन बोलना चालू किया आपकी परिस्थिति के लिए, जो भी परिस्थिति उसके लिए उपयुक्त वचन मुँह से निकला, उसी समय जो दुष्ट आत्मा आया है समस्या लेके, उस पर होता है आक्रमण। और स्तुति करते हैं जब हम, तब होता है पूरा सफाई। हालेलुया, यही हुआ था राजा यहोशाफात के साथ। उस समय तो वचन नहीं था, वचन था लेकिन प्रभु यीशु नहीं था, वचन ने शरीर धारण नहीं किया था। उस समय क्या था? शब्द था। हालेलुया, शब्द देह धारण नहीं हुआ था। हालेलुया, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। इसीलिए उन्होंने स्तुति का हथियार इस्तेमाल किया। पढ़िए अभी दूसरा इतिहास अध्याय 20:21 फिर से पढ़िए। उसने लोगों के साथ परामर्श करने के बाद गायकों को नियुक्त किया, स्तुति करने वाले कॉयर को नियुक्त किया। हालेलुया, पढ़िए, जिससे वे पवित्र वस्त्र धारण कर योद्धाओं के आगे चले, और यह कहते हुए प्रभु की महिमा और पवित्रता का स्तुति गान करें। प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वह भला है, उसकी सत्य प्रतिज्ञता अनंत काल तक बनी रहती है। हालेलुया, खाली इतना ही बोल रहे थे वो लोग,
क्या सबसे पहले पवित्र पवित्र वस्त्र धारण किया और योद्धा लोग जो लड़ाई करने वाले उनके आगे आगे चल रहे थे। हालेलुया। क्यों आगे आगे चल रहे थे? क्योंकि आत्मिक लड़ाई है। हालेलुया। शारीरिक लड़ाई नहीं है। वैसे ही प्रभु यहाँ पर बोलता है हमें लड़ाई नहीं करना है, हमको खाली खड़ा रहना है और क्या करना है, ईश्वर के वचनों से अपने आप को भर के स्तुति करना शुरू करना है। वो ओल्ड टेस्टामेंट था जब भी वो लोग इस तरह स्तुति करते थे। आज के समय नया जब हमको मिला है प्रभु का पुनरुत्थान के बाद में स्तुति मिला है, हालेलुया विनती, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जब आप ये प्रार्थना करते हैं ना, शैतान पे सीधे आक्रमण होता है, वो कंफ्यूज होता है। आगे लिखा हुआ है इन्होंने जब स्तुति किया था तो क्या हुआ था, 22 से पढ़िए। जब उन्होंने जयकार और स्तुति गान प्रारंभ किया तो प्रभु ने यूदा पर आक्रमण करने वाले अम्मोनियों, मोआबियों और सेर के पहाड़ी प्रदेश के निवासियों में फूट डालने वालों को भेज दिया। हालेलुया। मतलब समझे, वो जो विरोध लड़ने आ रहे हैं ना उनके बीच में फिर फूट डाल, कंफ्यूज हो गए वो और आपस में मारने काटने लग गए। हालेलुया। तो कब हुआ ये, जब उन्होंने स्तुति करना चालू किया। जब आप स्तुति करते हालेलुया विनती करते हैं तो क्या होता है, जो ये दुष्ट आत्मा ढेर सारी आई है ना, एक आपके मन में सोच डालने, एक अगले व्यक्ति के मन में सोच डालने, इनके बीच में होता है फूट। ये दुष्ट आत्माएं आपस में कंफ्यूज होती है और भागती निकल के, उनको नहीं समझ में आता है क्या करना है आगे, उनका पूरा की पूरा शैतान का योजना फेल होता है। हालेलुया हालेलुया। यहां पर वही हुआ और आगे क्या हुआ, फूट उनमें फूट डल गई और आगे जिससे वे आपस में ही लड़ने लगे और आगे अमोनी और मोआबी लोगों ने सेर के पहाड़ी प्रदेश के निवासियों पर आक्रमण किया और उनका पूर्ण रूप से विनाश कर दिया। इसके बाद वे एक दूसरे को मारने काटने लगे। हालेलुया। क्या किया उन्होंने, तीन देश के अलग अलग राजा है, पहले उन्होंने दूसरे देश के राजा को मारा और फिर आपस में ही मारने काटने लगे। हालेलुया। क्यों हुआ ऐसा, कंफ्यूज हो गए वो, आपस में ही लड़ाई शुरू हो गई। यहाँ पर राजा जहोशाफात क्या कर रहा है, उसकी सेना के साथ एक तरफ खड़ा है और उसके आगे गायक है स्तुति कर रहे हैं, बस सेना सिपाही एकदम तैयार खड़े हैं बस। हालेलुया। हमारे जीवन में भी परिस्थिति आती है ना, तब हम ये काम करते हैं, तो हमारे साथ भी ऐसे ही होता है, जो दुष्ट आत्माएं हमारे विरुद्ध आ रही है ना, वो आपस में मारने काटने लगती है, उनके बीच में आपस में लड़ाई होती है। हालेलुया। वो आपस में कन्फ्यूज होती है और हमारे को छोड़कर भागती है। हालेलुया। शैतान के बीच में लड़ाई करवाना है तो स्तुति करना है। हालेलुया। इसलिए वो जो बहन सिखा रही थी ना टंक प्रार्थना, इसको इस्तेमाल करना है, अगर इस्तेमाल नहीं किया तो फिर से वो लोग आएंगे, उसकी योजना सफल होगी। हालेलुया। लेकिन जब आप टंग में प्रार्थना करेंगे तो जो दुष्ट आत्माएं आई है वो आपस में कन्फ्यूज होकर लड़ाई करेगी, निकलेगी और ईश्वर पवित्र आत्मा द्वारा आप पर उसकी योजना को प्रकट करता है। कब, जब आप वचनों से भरते हैं। लिखा है ना सबसे पहला काम पवित्र वस्त्र धारण करते हैं। हालेलुया। तो क्या क्या करना है, वचनों को सीखना है और स्तुति करना है, सिर्फ दो काम, कोई भी समस्या आने दो। हालेलुया। प्रभु येसु की स्तुति हो, प्रभु येसु को धन्यवाद। इसमें ये जो मैं पहली बार सीखा था ना तो इसको इस्तेमाल किया था मैंने। हालेलुया। यहाँ पर क्या क्या लिखा है,
अपने आप को वचनों से भरना है और स्तुति करना है, खुद लड़ाई करने नहीं जाना है। हालेलुया। अगर ऐसा किया तो क्या होता है, जो दुष्ट आत्मा उनमें लड़ाई होता है, और लड़ाई होने के बाद क्या होता है, वो आपके जीवन को छोड़ के भागती है। और ईश्वर जो सुपरनेचुरल आपके जीवन में प्रकट करना चाहता है योजना के अनुसार, वो एक एक करके दिखाई देता है। हालेलुया। इसके आगे आप पढ़ेंगे ना, तो इसके आगे लिखा हुआ है कि ये आपस में पढ़ो, चलो पढ़ लो। हालेलुया। ये राजा आपस में लड़ भिड़ के मर गए, खत्म हो गए, और ये जितना माल लेके आए थे, लूट के लाए थे, जितना भी खजाना इनके पास था, हथियार थे, जानवर थे, सब के सब जहोशाफात को ऐसे मिल जाते। लिखा है बाइबल में 3 दिन तक बटोरता है वो, 3 दिन तक बटोरता है और उनके पास रखने को जगह नहीं होती है। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या बता रहा है, पहला चीज, ये लड़ाई आपकी नहीं है। जब आपने ईश्वर पर भरोसा किया और परमेश्वर के वचन के अनुसार काम किया, तो क्या करना है आपको, परमेश्वर के अस्त्र शस्त्रों को धारण करना, मतलब उसके वचनों से अपने आप को भरना है और स्तुति धन्यवाद देना है। जब स्तुति धन्यवाद दिया तो क्या होता है, दुष्ट आत्माओं में लड़ाई हुई और जो परमेश्वर की योजना है वो प्रकट होती है। हालेलुया। सुपरनेचुरल चिन्हों के साथ। हालेलुया। प्रभु येसु की स्तुति हो, प्रभु येसु को धन्यवाद। मैंने पहले दिन बताया था, मैं तो फेल हो रहा था, है ना, लेकिन कैसे प्रमोशन होते गया मेरा सुपरनेचुरल, स्कूल से लेके ऑफिस तक मेरा ग्रोथ ऐसा हुआ है, सीधा डबल 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 करके। हालेलुया। प्रभु येसु की स्तुति हो, प्रभु येसु को धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। जब जब भी परीक्षा आती थी ना, मैं खुद लड़ाई नहीं करता था। जब जब टेस्ट आता है ना, खुद की बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करता। हालेलुया। क्योंकि हम बुद्धि से बहुत दुर्बल है। वचन में लिखा है ना, तुम संपूर्ण हृदय से ईश्वर का भरोसा करो और वह तुम्हारा मार्ग सीधा करेगा। हालेलुया। प्रभु येसु की स्तुति हो, प्रभु येसु को धन्यवाद। हर एक नौकरी में जब जब बैठा था, परीक्षा हो रहा था, कोई ना कोई आ रहा था कठिनाई लेके, चिढ़ाने के लिए, कुछ ना कुछ झूठा आरोप लगा के फंसाने के लिए, लेकिन मैंने किसी पे भी विरुद्ध कुछ नहीं किया, हर दिन मुस्कुरा के प्रेम दिया। हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद दिया और क्या किया, दूसरों की मदद। हालेलुया। हालेलुया। और जब मैं ऐसा कर रहा था ना, एक ही वचन पकड़ा था, यूहन 15:5, सिर्फ वही एक वचन ने मेरे को उठाते गया। हर एक नौकरी में सबसे कठिन काम मुझे मिला था, जब मैं पहली बार दिल्ली गया था, ये जर्मन कंपनी मेरी ऑफिस में आई थी और वो लोगों ने देखा कि मैं सब प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, और वहाँ पर मेरा दोस्त जॉब करता था और उसने मुझे बोला कि यार इधर तो बहुत सारा काम है, मेरे को नौकरी छोड़ना है। मैंने बोला ठीक है, मेरे पास भी बहुत काम है, आ जा, आराम का नौकरी है, कंसल्टेंट का जॉब है। हालेलुया। हमारा कंपनी करता था फार्मास्यूटिकल प्रोजेक्ट होता है ना, दवाई इंजेक्शन बनता है, उन फैक्ट्री का डिज़ाइन करते थे हम, क्लीन रूम, एयर कंडीशनिंग, मैकेनिकल सिस्टम पूरा डिज़ाइन करते थे। हालेलुया। बहुत सारा काम होता है उसमें, इतना काम होता है कि 11 बजे तक मैं बैठे रहता था। खुद का काम भी करना है, बॉस का काम भी करना है, लोगों को भी सिखाना है। हालेलुया। और उसके बाद में जो दूसरों का काम है उसकी गलती का डांट भी सुनना है। होता है ऐसा आपके साथ, जब आप काम करते हैं दिल लगा के, ईमानदारी से काम करते हैं, किसी दूसरे की गलती की वजह से आपके ऊपर आरोप लगता है, डांट पड़ती है, उस समय क्या करना है आपको, जो जोशापात ने किया था, मैंने भी वही किया था। हालेलुया। किसी से पलट कर बुराई के बदले बुराई नहीं करना है, गाली के बदले गाली नहीं देना है, आरोप के बदले आरोप नहीं लगाना है, उसके बदले में क्या करना है, प्रेम, बात करना बंद नहीं करना है। हालेलुया। हालेलुया। जब मैं ऐसा कर रहा था ना, क्या हुआ, वो लोग जो मेरे विरुद्ध आ रहे थे ना, वो मेरे दोस्त बन गए और मैं प्रमोशन होते गया, इंजीनियर से सीनियर इंजीनियर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, और उसके बाद में ब्रांच मैनेजर। हालेलुया। पढ़ाई कितना है, 10वीं पास। हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया।
प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। मैं मुंबई में 2014 में मेरे को नौकरी मिला था फिनलैंड का कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी। उधर का जो सीईओ था वो इंटरव्यू ले रहा था मेरा, मेरा सीवी देखा, बायोडाटा। उसमें जब एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो वहाँ पर मैंने खाली 10th लिखा था, 12th नहीं लिखा था, और उसके बाद डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। हालेलुया। तो उसने पढ़ा, ये 10th के बाद कुछ दिखता नहीं है, मैंने बोला सर 10वीं तक ही पढ़ाऊँ। हालेलुया। लेकिन वो पोजीशन थी HOD की। हालेलुया। तो वो मेरे को पूछने लगा, फिर बाद में देखा एक्सपीरियंस। तो ये जो एक्सपीरियंस है, मैं जो कंपनी में, दिल्ली की कंपनी में जॉब करता था, वहाँ पर मेरा बॉस मेरे को हर एक प्रोजेक्ट में घुसाता था, हर एक कठिन काम में घुसाता था। जहाँ पर मैं, सब लोग फेल हो जाते हैं, वहाँ मेरे को भेज देता था। और मैं क्या करता था, अपनी बुद्धि से नहीं, मैंने बोला प्रभु आप दाख लता है, आपने कहा है मैं सच्ची दाख लता हूँ, तुम हरी डाली हो तो मुझसे अलग रहकर कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो मुझ में रहता है वो, जिसमें मैं रहता हूँ वही बहुत फलता है। फिलिप्पियों 4:13 में लिखा है, आई कैन डू ऑल थिंग विद जीसस हु स्ट्रेंथन मी। मैं यीशु मसीह जो मुझे बल प्रदान करता है उसकी सहायता से सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। मेरे को तो कोई एक्सपीरियंस और कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन जब मैं ऐसा बोल के जाता था ना, तो जो भी फंसा हुआ काम है उसको करने के लिए मुझे पवित्र आत्मा का ज्ञान मिलता था। हालेलुया। 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 और कठिन से कठिन काम आसान लगता था। करते 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 मैंने 300 से ज़्यादा फार्मास्यूटिकल प्रोजेक्ट डिज़ाइन किए थे, और वही एक्सपीरियंस मेरे CV में लिखा था। वो प्रोजेक्ट देख रहा था, ये कंपनी में भी किया, ये कंपनी में भी किया, ये कंपनी में भी, मतलब सारी की सारी जो इंडिया के अंदर में बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, सब कंपनी में कोई ना कोई प्रोजेक्ट किया है। हालेलुया। यहाँ तक कि 2010 में जो वर्ल्ड के अंदर में बैन है स्टेम सेल मेडिसिन, जो कोर्ड ब्लड होता है ना, बच्चा पैदा होता है तो माँ का खून निकलता है ना नस में से, वो खून को इंजेक्शन बनता है, कैंसर का भी ट्रीटमेंट होता है उससे, उसको बोलते हैं कोर्ड ब्लड, स्टेम सेल होता है वो। वो स्टेम सेल से दवाई बनता है जिससे कोई भी बीमारी का इलाज होता है। हालेलुया। लेकिन वो सभी देशों में बैन है, नहीं कर सकते। इज़राइल एकमात्र एक ऐसा देश है जहाँ पर इसके ऊपर बैन नहीं है। हालेलुया। और मैंने वहीं के प्रोजेक्ट में सबसे पहला जो मेडिसिन का फैक्ट्री था उसका डिज़ाइन किया था। हालेलुया। और वो सब ये देख रहा था, वो CEO फिनिश कंपनी का, फिनलैंड की कंपनी का, और ये सब देख रहा था कि ये सब प्रोजेक्ट पे काम किया है, बायोटेक प्रोजेक्ट, जो बायोसेफ्टी लेवल 3 के जो लेबोरेटरी होते ना, जहाँ पर रिसर्च करते हैं साइंटिस्ट लोग अलग अलग बीमारियों पे। नई नई बीमारी आती है ना, जैसे कोरोना वायरस आया, तो ऐसे वायरस वाली जो बीमारियाँ आती है उसके ऊपर रिसर्च होता है। हालेलुया। सालों रिसर्च होता है, करोड़ों रुपये उस पर खर्चा करते हैं। तो उसके लिए जो लेबोरेटरी बनता है, उस लेबोरेटरी का एक्सपर्ट कंपनी था जहाँ पर मुझे जॉब मिला था दिल्ली में, और वो कंपनी इस जो रिसर्च सेंटर होते हैं वो ज़्यादातर सरकार के अंदर रहते हैं, प्राइवेट में नहीं होते हैं। तो जो डिफेंस होता है, जो DRDO और जो डिफेंस मिनिस्ट्री होता है, हालेलुया, रक्षा मंत्रालय जिसको बोलते हैं, उनके अंडर आता है वो सब। हालेलुया। और ये सब यूनिवर्सिटी, जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, हर एक दिल्ली के अंदर में JNU है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, और अलग अलग स्टेट में अलग अलग यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ पर एक लेबोरेटरी होता है जिसमें साइंटिस्ट लोग रिसर्च करते हैं इस तरह की बीमारियों पर। हालेलुया। हालेलुया। अभी कोविड आया था तो कोविड पर भी रिसर्च हो रहा था ना, वायरस के ऊपर। तो ये जो रिसर्च होता है उसकी दवाई बनाने के लिए, वो फैसिलिटी होता है, मैं जब 2010 में काम करता था तो जो कार्टून बॉक्स होता है ना, हालेलुया, कंटेनर मालूम है ना, जिसमें शिपिंग होता है, बड़े बड़े कंटेनर, उस कंटेनर के अंदर में फैक्ट्री बनाया जाता है, क्लीन रूम फैसिलिटी, जिसके अंदर ये वायरस पे रिसर्च होता है, ताकि अगर कुछ गड़बड़ होता है तो उसको सील करके वैसी वैसे समुद्र में फेंक दे, दम बीमारी फैलना नहीं चाहिए। देखा है हॉलीवुड की मूवी में, पिक्चरों में देखा है, रिसर्च लेबोरेटरी। हालेलुया। तो इस तरह के प्रोजेक्ट पे मुझे काम करने का मौका मिला,
कहाँ पर? दिल्ली में, 2007 से लेके 10 तक। हालेलुया। और यहाँ पर मेरी तैयारी हो रही थी फिनिश कंपनी में जॉब की। हालेलुया। उसके बाद मुझे मिला बायोटेक्नोलॉजी कंपनी, एक बड़ा कंपनी इसराइल का था, जो खाली इसके ऊपर जो डायबिटिक बीमारी होती है ना, डायबिटीज़ होता है, उसके ऊपर रिसर्च करता है। उसके ऊपर में वो लोग R&D से लेकर, मतलब जो रिसर्च करते, रिसर्च से लेकर दवाई बनाने तक का सारा काम वो लोग करते हैं। हालेलुया। तो वहाँ पर भी मुझे जॉब करने का मौका मिला और वहाँ पर मैं था असिस्टेंट मैनेजर। हालेलुया। तो ये जो एक्सपीरियंस था सब मेरे बायोडाटा पे लिखा था, CV पे लिखा था, और वो CEO खाली पढ़ रहा था और उसने मेरे को एक भी सवाल नहीं किया, तुरंत पूछा सैलरी कितनी चाहिए। हालेलुया। मैंने ज़्यादा सैलरी नहीं मांगा था, मतलब परसेंटेज में 25% राइज मांगा था। हालेलुया। और वो 25% में था 1,00,000 रुपये महीना। हालेलुया। तो 2014 में मुझे तुरंत उस जॉब पे रखा और वहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग आ गई। हालेलुया। तो इस तरह से परमेश्वर मेरे को उठाते गया ऊपर ऊपर। हालेलुया। मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट बना फिनलैंड का कंपनी में, और वहाँ भी इस तरह के प्रोजेक्ट थे। हालेलुया। तो ये एक्सपीरियंस मेरे अंडर में, जो BTech करे हुए टॉपर्स होते हैं, जो MTech करे हुए, मास्टर्स डिग्री करे हुए लोग रहते हैं, ऐसे लोग मेरे अंडर में दिए गए। हालेलुया। मेरी टीम में काम करने के लिए, उनको सिखाना और उनसे काम कराना है। हालेलुया। लेकिन मुझे इंटरव्यू लेते समय बोला मेरे से ज़्यादा क्वालिफाइड है ये तो। हालेलुया। किताबी ज्ञान में मतलब जो स्कूल का जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन में मेरे से ज़्यादा क्वालिफाई है। हालेलुया। लेकिन ईश्वर के ज्ञान में मैं क्वालिफाई है। हालेलुया। मैं सिर्फ बाइबल पढ़ता था और अपने काम को करता था। हालेलुया। सिर्फ एक ही वचन को पढ़ के, Yohan 15:5 और रोज का सुसमाचार। हालेलुया। तो परमेश्वर पे भरोसा करके जब उसके वचन के अनुसार कार्य किया तो मेरे को उठाते गया ऊपर ऊपर ऊपर। हालेलुया। लेकिन ज़्यादा ऊपर उठा तो गिरते भी है ना। कब गिरते? जब प्राइड आता है, घमंड आता है। हालेलुया। और घमंड के साथ हम ईश्वर की आज्ञा के विरुद्ध काम करते। ईश्वर की कौन सी आज्ञा है? ईश्वर को प्रेम करना और पड़ोसी को प्रेम करना। हालेलुया। सब लोग फेल होते हैं यहाँ पर, हर दिन की परीक्षा आई है। वो सिस्टर बार बार बोलती है ना, सुबह उठते से बोलते प्रणाम मोबाइल करते हैं कितने लोग करते हैं? प्रणाम बोलते तो नहीं है, लेकिन खोल के व्हाट्सएप पे मैसेज देखते हैं, देखते हैं कि बाइबल का वचन पढ़ते हैं। ये आधुनिक आज के टाइप से शैतान इस्तेमाल करता है इसको। किसका मिस कॉल आया, क्या मैसेज आया, क्या व्हाट्सएप आया। उन दिनों में करता था फेसबुक व्हाट्सएप। हालेलुया। सवेरे उठते से मैसेज देखना है, रातों रात 12-1 बजे तक फेसबुक पे देखना है। हालेलुया। टाइम चुराता है शैतान। हालेलुया। जब हम ऐसा करते हैं पता है क्या करते हैं? जब ये करते हैं ना तो हम परमेश्वर का पहला आज्ञा तोड़ते हैं। क्या है पहला आज्ञा? मैं प्रभु तेरा परमेश्वर हूँ, उसको छोड़ और किसी की नहीं। तो हम किसको वर्शिप कर रहे हैं? यही है आइडल वर्शिप, इसी को बोलते हैं मूर्ति पूजा। मूर्ति किसको बनाया हमने? हालेलुया। आजकल का आधुनिक मूर्ति पूजा कुछ भी है, जिसको आप परमेश्वर के स्थान पर बिठा रहे वो मूर्ति पूजा है। हालेलुया। जो ईश्वर हमको ब्लेस करता है, जो ब्लेसर बोलते हैं ना, कि हम जब आशीर्वाद आता है तो आशीर्वाद देने वाले को भूल जाते हैं ना। हालेलुया। आशीर्वाद को एंजॉय करने में इतने मगन हो जाते हैं कि ब्लेसर को ने भूल गए। हालेलुया। आशीर्वाद देने वाले परमेश्वर को भूलकर हम उसका स्थान दूसरी चीज़ों को देते हैं। हो सकता है नौकरी, धंधा, बच्चे, परिवार, मोबाइल। हालेलुया। हालेलुया। ये आधुनिक मूर्ति पूजा है। हालेलुया। शैतान इसका इस्तेमाल करता है हमको भटकाने के लिए। हालेलुया। हालेलुया।
मैं जब सीख रहा था वचन तो मुझे सीखा कि जो कुछ भी चीज आपको परमेश्वर से दूर लेकर जाती है वो है मूर्ति पूजा, आइडल वर्शिप। हालेलुया। लेकिन जो चीज आपको परमेश्वर के निकट लाती है वो है ईश्वर की आराधना, सच्चे ईश्वर की। हालेलुया। तो वचन पढ़ते तो हम ईश्वर के नजदीक आते हैं, स्तुति करते हैं तो हम ईश्वर के नजदीक आते हैं। हालेलुया। लेकिन मैं इनमें से कुछ भी नहीं कर रहा था। क्या कर रहा था? रोज सुबह फॉर्मेलिटी के लिए बाइबल पढ़ता था। करते हैं ना, एक नियम बनाया, नियम का पालन। नियम का पालन तो यहूदी लोग भी करते थे, करते थे कि नहीं? सारे नियम लिखे हुए थे हाथ पे, सिर पे। बाइबल पढ़ेंगे ना, सब यहूदी लोग करते थे। लेकिन जब वो शब्द, आदि शब्द शरीर बनकर प्रभु यीशु उनके सामने आया, पहचान पाए? नहीं पहचान पाए। हम भी ऐसे ही करते हैं। हालेलुया। बाइबल पढ़ते, वचन पढ़ते, लेकिन जब प्रभु हमारे जीवन में उसके वचन द्वारा आना चाहता है तो हम उसको स्थान नहीं देते हैं। कौन सा स्थान देते हैं? दूसरा स्थान। हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। अनजाने ही हम पहला आज्ञा तोड़ते हैं, इसलिए आता है समस्या। शैतान आता हमारे जीवन में समस्या लेकर, श्राप लेकर। हालेलुया। लेकिन गुड न्यूज ये है कि जब हम पश्चाताप करके वापस लौटते हैं तो प्रभु बोलता है गलातियों 3:13 में कि मसीह हमारे लिए श्रापित बने। पढ़िए गलातियों अध्याय 3:13। गलातियों अध्याय 3:13। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। मसीह हमारे लिए श्रापित बने और इस तरह उन्होंने हमको संहिता के अभिशाप से मुक्त किया है। लिखा है ना, संहिता का अभिशाप क्या है? जो नियम कानून थे ना कि ये नियम का पालन करोगे तो आशीर्वाद मिलेगा, नहीं करोगे तो श्राप मिलेगा। व्यवस्था विवरण की किताब अध्याय 28:15, 1-15 तक आशीर्वाद है, 14 तक, और 15 के आगे वो सब अभिशाप लिखे हुए हैं। हालेलुया। कि अगर आप आज्ञा तोड़ोगे तो क्या क्या श्राप लगेंगे, वहां मत जाना, डर जाओगे। हालेलुया। ऐसी ऐसी बीमारियों के नाम लिखे जो आजकल आती है, नहीं नहीं कोरोना वायरस, ऐसी ऐसी बीमारियां जिनका इलाज नहीं मिलता है। हालेलुया। लेकिन गुड न्यूज क्या है? परमेश्वर का ग्रेस, अनुग्रह क्या है कि जब प्रभु येसु ने क्रूस पर अपने आप को अर्पित किया था, परमेश्वर ने प्रभु येसु को क्रूस पर जाने दिया था, तब प्रभु यीशु ने सभी श्रापों को, बीमारियों को अपने शरीर में ले लिया। पढ़ा था ना हमने 2 दिन पहले। हालेलुया। और यहाँ गलातियों 3:13 में क्या लिखा हुआ है कि मसीह यीशु ने हमारे सभी श्रापों को क्रूस पर अपने शरीर में ले लिया। हालेलुया। उसने वो श्राप को तोड़ दिया है। कब तोड़ दिया है? जब वो वचन अंदर गया और मैंने उस पर विश्वास किया। जब प्रभु का वचन, जो प्रभु ने क्रूस पर खत्म किया है, उसके ऊपर हम विश्वास करते हैं तो ये सारे श्राप टूटते हैं। हालेलुया। और शैतान जब इनका इस्तेमाल करके हम पे दोष लगाता है ना तो वो झूठा करार होता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु येसु की स्तुति हो, प्रभु येसु को धन्यवाद। तो मैं अभी अपनी गवाही में बता रहा था कि जब मैंने डिस्ट्रैक्ट हुआ आशीर्वाद आने के बाद, 1,00,000 रुपये महीना तनख्वाह है, 2 सुंदर सुंदर बच्चे, हालेलुया, बीवी भी अच्छी है, बिल्कुल कभी कोई कंप्लेन नहीं, कोई डिमांड नहीं, हालेलुया, हालेलुया,
1,00,000 रुपये महीना तनख्वाह है, सब कुछ बढ़िया है, आशीर्वाद भरा है, भर भर के मिला है, हालेलुया, लेकिन उसको एंजॉय करने में लुप्त हो गया। हालेलुया, प्रभु येसु की स्तुति हो, प्रभु येसु को धन्यवाद। ये जब मैं दिल्ली में था तब से आदत लगा था, कौन सा वाला, जब पैसा आता है तो शैतान भी आता है। प्रभु येसु ने खुद बोला है यूहन्ना अध्याय 10:10 में, पढ़िए एक बार। हालेलुया, हालेलुया, यूहन्ना अध्याय 10:10, चोर केवल चुराने मारने और नष्ट करने आता है। मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन प्राप्त करें बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करें। तो चोर किस लिए आता है? चुराने, मारने और नष्ट करने। कैसे आता है बता के आता है? नहीं आता है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवन में भी चोर आता है ऐसे ही। जब आशीर्वाद आता है ना, चोर अच्छे से आता है। चोर किसके यहाँ चोरी करने जाता है? जिसके पास सब कुछ है, गरीब के घर जाता है? जिसका घर अच्छा भरा हुआ है उसी के यहाँ चोर आता है ना। हालेलुया, कि झोपड़े में जाता है चोरी करने? शैतान भी ऐसे ही आता है। जब परमेश्वर का आशीर्वाद आया, आशीर्वाद को चुराने आता है। कैसे आता है? हालेलुया, आपका समय चुराता है कि आप परमेश्वर के साथ समय नहीं निकाल पाओ, बिजी हो जाओ बच्चों में, नौकरी में, काम में, धंधे में, इस तरह बिजी हो जाओ कि आप परमेश्वर के वचन को ध्यान से नहीं समझ पाओ, ईश्वर के साथ समय नहीं बिता पाओ। हालेलुया। दूसरी तरह कैसे चुराता है? दिन भर खूब काम कर लिया, अभी हो गई थकान, थोड़ी सी मार लो, समझ रहे, थोड़ा सा दारू ले लो एक पैक, कुछ नहीं होगा, इतनी सी तो पीना है, बदन दर्द चले जाएगा, दिन भर की थकान उतर जाएगी, अरे कुछ नहीं होता है। हालेलुया, बोलते ऐसा दोस्त? बहुत सारे सलाहकार मिलते हैं ना, बहुत थकान हो गई है, थोड़ा सर्दी जुखाम है, इतना सा मार लेना, एक ब्रांडी एक चम्मच पी लो, डॉक्टर भी बोलता है, बोलता है ऐसे लोग, ये संसार का ज्ञान यही बोलता है। हालेलुया, लेकिन शैतान चोर ऐसे ही प्रवेश करता है। मैं भी ऑफिस में जाता था, साइट पे जाते थे, क्या करते थे? सबसे पहले निकलता था बॉटल। हालेलुया, बैठते थे पार्टी के अंदर दोस्तों के साथ। हालेलुया, प्रभु येसु की स्तुति हो, प्रभु येसु को धन्यवाद। पैसा चुराता है आशीर्वाद, उसके बाद नशे में क्या करते हैं? गलत काम। हालेलुया, बुद्धि रहती है ध्यान जगह पर, ठिकाने पर? नहीं होता है ना। हालेलुया, हालेलुया, चोर ऐसे ही प्रवेश करता है प्रलोभन देकर। हालेलुया, ब्रेक देंगे, ओके, ठीक है, ओके। हालेलुया, ब्रेक चाहिए? चाय तैयार है, 15 मिनट है, मैं 15 मिनट में ख़त्म करता हूँ, फिर ब्रेक लेंगे। हालेलुया, तो ऐसे ही हुआ, मैं भी दोस्तों के बोलने पर, दोस्ती लोग ले जाते हैं ना, कौन से दोस्त ले जाते हैं? कोई बाहर वाला नहीं आता, अच्छे वाले आते हैं, जिनके साथ आप समय बिताते हैं, जो आपके वेल विशर बोलते हैं जिनको। हालेलुया, हालेलुया। मैंने वो ब्रदर के बारे में यहाँ बताया था, ब्रदर वो इतना सा पीना चालू किया था, पहले दिन बताया था ना शायद, फौजी वाला, वो बहुत अच्छा जीवन जिया था, पूरी आर्मी में सर्विस करने के बाद कुछ पिया नहीं था, लेकिन रिटायर हो गया, रिटायर होके घर आ गया, अभी समय बहुत है, आशीर्वाद है, नौकरी, पेंशन भी आ रहा है, नौकरी भी कर रहा है, घर भी है, बीवी भी है, बच्चा भी है, सब कुछ है, आशीर्वाद हो गया भर भर के। क्या हुआ उसके घर भी?
घर का ही कोई रिश्तेदार आया, बोला चल इतनी सी पी ले, तू तो अच्छा काम कर रहा है ना, सब कुछ अच्छा है, पी के कोई लड़ाई थोड़ी कर रहा है, आराम कर रहा है, घर पे है, बुरी बात थोड़ी है थोड़ी पीना, ऐसी बोलते हैं ना। उसके जीवन में भी ऐसी करके प्रलोभन आया, हालेलुया। मेरे जीवन में भी ऐसी प्रलोभन आया, हालेलुया। और क्या हुआ उसका हाल, इतनी से इतनी 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 करके बॉटल, और बॉटल के बाद वो खुद बॉटल में, हालेलुया। और उसके बाद समस्या शुरू, हालेलुया। बेचारा रो रो के प्रार्थना करता था कि मैं निकलूं, मेरा इतना बुरा हाल नहीं हुआ था, लेकिन मुझे मिल गई थी बीमारी, हालेलुया। फेफड़े कमजोर हो गए थे, फेफड़े का बीमारी, हालेलुया। लंग्स इन्फेक्शन, वीकनेस हो गए, जब भी पिया खाया ना तुरंत बीमार पड़ता था, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु येसु की स्तुति हो, प्रभु येसु को धन्यवाद। अभी ये पहला प्रॉब्लम शुरू हो गया, हालेलुया। घर में भी प्रॉब्लम शुरू हो गया, हालेलुया। प्रभु येसु की स्तुति हो, प्रभु येसु को धन्यवाद। चोर आता है ना घर वालों, घर में भी आता है ना लड़ाई करने के लिए, कुछ ना कुछ टॉपिक को लेकर बहस होती है, शुरुआत हो गई, हालेलुया। प्रभु येसु की स्तुति हो, प्रभु येसु को धन्यवाद। फिर बीमारी लेकर आया बच्चों में, हालेलुया। एक के बाद एक बच्चे बीमार होने लगे। जब मेरे को फेफड़े का कमजोरी हुआ, माँ को भी था, डॉक्टर बोल रहा है ये तो माँ को था तो तुमको भी होगा, अस्थमा है, माँ को था पहले तो, उस वजह से मम्मी को नेबुलाइज करना पड़ता, नेबुलाइजर होता है ना, तो वो रेस्प्यूल्स लाता था, मैं घर पे लगाता था उनको, मैं भी देख रहा हूँ, बच्चे भी देख रहे हैं, क्या देख रहे, दादी को रेप्स ये लगाए, हालेलुया। जब भी मेरे को फेफड़े कमजोर हुए, मैं भी हॉस्पिटलाइज हुआ, मुझे भी वही लगाया गया, हालेलुया। अभी हॉस्पिटल से बाद घर पे भी लगाने लगा, जैसे सर्दी होती है ठंडी होती है वो दवाई लगाने लगा, मास्क लगाकर, हालेलुया। बच्चे भी देख रहे, पहले तो खेलते खेलते बोला मेरे को भी लगाना है, मेरे को भी लगाना है, हालेलुया। खेल खेल में उसको भी लगाया, हालेलुया। होता है कि नहीं, बच्चे जिद करते हैं, खेल खेल में बच्चे अपने आप लगाते हैं, हालेलुया। लेकिन यह लगाने से बीमारी आती नहीं, कैसे आती है, आपके शब्दों से, हालेलुया। मैं बीवी को डांटता था, बोला देख उसको लग जाएगा ये तकलीफ, यही बोलता था, डर था, हालेलुया। जिस चीज से डरता था वही हुआ, बच्चों को भी वही तकलीफ शुरू, एक बीमार पड़ने लगे, सर्दी जुकाम ज़्यादा होने लगा इन, तो जब हॉस्पिटल लेके गया तो डॉक्टर ने बोला इनको नेबुलाइज करना पड़ेगा, इधर का पॉल्यूशन ठीक नहीं है, पुणे का पॉल्यूशन बहुत ख़राब है, इधर का मौसम उतना अच्छा नहीं है, बारिश और ठंडी होता है, इसलिए यहाँ पर बच्चे बार बार नेबुलाइज करने पड़ेंगे पॉल्यूशन की वजह से, हालेलुया। होता है ना सिटी में, तो बार बार उनको नेबुलाइज करना है, अभी एक को लगाया तो दूसरा बच्चा भी उसको देख रहा है, उसको भी हो गया तकलीफ, हालेलुया। एक के बाद अस्पताल का नंबर चालू, मेरा भी, बच्चों का भी, मम्मी का भी, एक ठीक होता है दूसरा चालू, दूसरा ठीक होता है तीसरा चालू, हालेलुया। मैं समझ नहीं पा रहा था ऐसा क्यों हो रहा है, इलाज करा रहा हूँ ठीक हो रहा है, फिर से दूसरा बीमार पड़ रहा है, दूसरा ठीक हो रहा है, तीसरा हो रहा है, उसके बाद चौथा, जैसे साइकिल चल रहा है ना, संडे मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे होता है ना, सोमवार से बाद इतवार, इतवार के बाद वापस सोमवार, हालेलुया। तो एक ठीक होता है दूसरा वापस बीमार, ऐसा करते करते समय जाते रहा, मैं सोचा चलो अभी रिट्रीट जाना चाहिए, एक रिट्रीट अटेंड किया, दो किया, ताबोर गया, सब जगह घूम घूम के, हम मुंबई में है ना ताबोर, ताबोर आश्रम, फिर मातृधाम आश्रम, हालेलुया। वो तो मेरा ससुराल है, मेरी पत्नी वहाँ से है तो मैं उधर आता था, हालेलुया। हफ्ता हफ्ता दस दस दिन छुट्टी लेकर टाइम निकाल रहे हैं, हालेलुया। जितने दिन रिट्रीट में बेटा अच्छा है, लेकिन रिट्रीट खत्म होने के बाद वापस घर जाके वही समस्या आती है, आपके जीवन में ऐसा होता है कि नहीं, रिट्रीट से आए एक हफ्ता अच्छा जाता है, फिर टेस्ट आता है और उसके बाद वापस फंसते हैं ना। मैं फंसा था क्योंकि मेरे शब्द उल्टे थे, क्या बोलता था मैं, डर के शब्द, हालेलुया। बार बार बीवी को बोलता था कि तू ध्यान नहीं देती है, देख
खेल रहे बच्चे गंदगी में, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, जैसा बोलता था वैसे होता था। इन्फेक्शन बोला इन्फेक्शन हुआ, बीमारी जो मुझे लगी थी वैसा बोला वैसा ही हुआ। हालेलुया, उनको भी नेबुलाइज करना पड़ा। अभी ये समस्या से बाहर कैसे आऊँगा? रिट्रीट जाके सोचता था कि कुछ होगा, वचन मिलेगा, वचन लेकर नोट्स भी बनाता था जैसे आप लोगों ने बनाया। हालेलुया, लेकिन कहाँ रखता था? अल्टार के ऊपर, कभी खोल के पढ़ा नहीं। हालेलुया, वचन के कपड़े पहने क्या? राजा जोशाफात के पास आया तो उसने क्या बोला? पवित्र वस्त्रों को धारण किया। समस्या आती, लड़ाई होती तो कवच धारण करना है ना, रक्षात्मक कवच तो सीखने गए रिट्रीट के अंदर में, लेकिन सीख के भी आया, लिख के भी रखा है, लेकिन कहाँ रखा है? बाइबल कहाँ रखा है? अल्टार पे, पटरा पे, और वहीं पर भी रखा है मेरा नोट्स, कभी खोल के नहीं देखा। हालेलुया, हालेलुया। फिर से समस्या आई, प्रभु बोलता है जब एक दुष्ट आत्मा किसी मनुष्य से निकलता है तो वो वीराने में घूमता है, लेकिन वहाँ घूमते घूमते वापस सोचता है कि मैं पुराने घर में जाऊँगा और सात और बुरी आत्माओं को लेकर प्रवेश करता है। बोला है प्रभु ये, सुने सुना ये वचन? तो ऐसी होता है, एक बीमारी जाती है और दूसरी दो तीन और आ जाती है। हालेलुया, क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हम वचन में बने हुए नहीं है। एक बार वचन तो सुना, कैसे हुआ ना, वो गौरी ने उदाहरण दिया था। एक गुलाम था, आज़ाद हुआ, सबसे बहुमूल्य कीमत चुकाकर उसको आज़ाद किया, और आज़ाद करने वाले ने फ्री विल दिया, अभी मेरे पीछे आने का तुम्हारा इच्छा है, लेकिन अगर वो पीछे जाता ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है? फिर से गुलाम बनता है, बनता है ना, फिर से रिट्रीट में जाते फिर से चंगाई होती है, और उसके बाद वचन के पीछे पीछे नहीं गया तो वापस गुलाम होता है। ऐसा यही होता है असली ज़िंदगी में भी हमारे, वचन तो सीखा चंगाई भी हुआ, लेकिन हम वचन के साथ नहीं बने हुए तो वापस से शैतान आता है, दुष्ट आत्मा आता है हमको गिराने के लिए। हालेलुया, एक के बाद एक तकलीफ लेके आता है। मेरे साथ वही तो हो रहा था, एग्जैक्टली वही हो रहा था। हालेलुया, मैं तो सोच रहा था कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, मैं ब्लेस्ड हूँ, मेरे को रिट्रीट में जाने की क्या जरूरत है, पहले ऐसा सोचता था। हालेलुया, मेरे को जरूरत नहीं है, बीवी को जरूरत है, माँ को जरूरत है, बीवी तो आई है हिंदू फैमिली से उसको जरूरत है, माँ आई है उनको कभी वचन मिला नहीं, चौथी पढ़ी है मेरी माँ। हालेलुया, इनको जरूरत है वचन की, मेरे को क्यों जरूरत है, मैं तो रोज़ बाइबल पढ़ता हूँ। ये था डिसेप्शन, धोखा। हालेलुया, प्रभु येसु की स्तुति हो, प्रभु येसु को धन्यवाद। इसीलिए मैं फंस रहा था बार बार एक एक करके। हालेलुया, समस्याओं के जाल में फंस रहा था, लेकिन जब मुझे पता चला, हमारे चर्च में अनाउंस किया कि अभी एक रिट्रीट हो रहा है ये टीम का, वो जो बहन के बारे में बताया था जोसलिन, जिसको सुनकर मेरा परिवर्तन हुआ। हालेलुया, वो जब अपनी गवाही सुना रही थी कि मैं 9वीं तक क्वेश्चन पेपर नहीं पढ़ पाती थी, वो सुनकर मैं चर्च के बाहर से अंदर आया था। हालेलुया, और वहाँ से जब मैं वचन सीखने लगा एक एक वचन, तो मुझे याद आने लगा कि मेरे जीवन में भी ये सब आशीर्वाद आए हैं, लेकिन ये आशीर्वाद क्या था? ईश्वर का अनुग्रह। क्यों आया था? विश्वास के कारण। हालेलुया, लेकिन जब विश्वास कैसा है? पैसे के जैसा है, जब तक बटुए में पैसा है तब तक सब ठीक है, खत्म मतलब पैसा, खत्म मतलब कुछ हो सकता है क्या? कुछ खा सकते हैं आप, ले सकते सामान बिना पैसे के? ठीक वैसे ही है, जब तक वचन जो जमा किया, विश्वास जमा किया है, काम करेगा, खत्म हो गया तो फिर से समस्या आया, क्या होगा? जिस तरह पैसा नहीं है आप खर्चा नहीं कर सकते, विश्वास नहीं है वैसे आप ईश्वर के राज से कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। हालेलुया, इसलिए तो समस्याओं में गिर रहा था। हालेलुया, तो अभी रिट्रीट में गया और रिट्रीट में जब सीखने लगा, नोट्स बनाने लगा, वापस से उगने लगा विश्वास। हालेलुया, लेकिन दो ही दिन का रिट्रीट, उसके बाद तो महीना भर दूसरा रिट्रीट चालू होगा एक महीने के बाद। तो वहाँ पता चला बाइबल स्टडी के बारे में, रोज डेली बाइबल स्टडी। हालेलुया,
तुरंत ग्रुप ज्वाइन किया, इंग्लिश बाइबल स्टडी था, लेकिन वहाँ भी मैं हफ्ते में एक बार जाता था। हालेलुया। धीरे धीरे लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में निरंतर सीखने का मौका मिला, लेकिन लॉकडाउन में समस्या आई थी। हालेलुया, ये बड़ा स्टोरी है, ब्रेक के बाद सुनेंगे, ठीक है? तो एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, एक छोटा सा प्रार्थना करते हैं। क्रूस का चिन्ह, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। धन्यवाद प्रेमी स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह के लिए, धन्यवाद पवित्र आत्मा हमें सिखाने के लिए। हे पवित्र आत्मा, आज हमने सीखा कि आज आपका अनुग्रह हम सब के लिए उपलब्ध है, और आपके अनुग्रह द्वारा हमें मिले आशीर्वादों को जब हम इंजॉय करने में लुप्त हो जाते हैं तो चोर आता है चुराने, मारने और नष्ट करने के लिए। लेकिन प्रभु यीशु, आप कहते हैं कि मैं इसलिए आया हूँ कि तुम जीवन को पाओ, परिपूर्ण जीवन पाओ। धन्यवाद पवित्र आत्मा हमें यह समझाने के लिए कि हम सबके जीवन में यह चोर शैतान अलग अलग प्रलोभनों से आता है। धन्यवाद पवित्र आत्मा, आज हमने सीखा कि जब हम आपके वचनों का वस्त्र को धारण करते हैं और आपकी स्तुति आराधना करते हैं तो हम इस चोर का शैतान का योजना को असफल कर सकते हैं, और आपकी स्तुति करते हुए ईश्वर के हथियारों द्वारा शैतान पर विजय प्राप्त करते हैं। धन्यवाद पवित्र आत्मा हमें सिखाने के लिए। आज जो कुछ भी हमने सुना है हमें समझ में आया, और यह मेरा विश्वास है कि यह वचन अच्छी तरह से हमने समझा है और आपके राज्य के लिए हम फल उत्पन्न कर रहे हैं, 30 गुना 60 गुना 100 गुना, प्रभु यीशु के नाम से आमेन। तो जल्दी से ब्रेक लेंगे, कितना देर का फादर?